YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे। उसके बाद प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको कोई सवाल करना हो, जो हमारी वीडियो चल रही हैं उसके ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, अगर आप कोई भी एक सवाल करना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने हाथ की फ़ोटो भेज कर कोई भी एक सवाल करें, उसका जवाब हम मुफ्त देंगे। इसके अलावा अगर आप पूरे हाथ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी रابطہ करके आप मालूम कर सकते हैं, उसके हम फीस लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है कि किसी की किस्मत से अमीर होना, किसी की किस्मत से अमीर होना। हमारे एक दोस्त थे, नाम मैं उनका ज़ाहिर नहीं करूँगा, दिल आज़ारी होगी किसी की। हमारे एक दोस्त थे, जब भी वो कोई काम करते थे नाकाम होते थे। कभी वो पापड़ बेच रहे हैं, कभी वो बच्चों के वाटर बॉल जो हैं वो बेच रहे हैं गलियों में, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ वक्त ही गुजारा करते थे। और जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी वो बड़े आवारा मशहूर थे। यानी किसी पुराने वक्तों में जैसे गली में फिल्में चलती थी या फंक्शन वगैरह होते थे, वो हर फंक्शन अटेंड करता था और हर जगह जहाँ फिल्म चल रही होती थी वहाँ पहुँच जाता था। जिस ज़माने में पीटीवी में फिल्म चला करती थी उस ज़माने में भी वो हर फिल्म देखा करता था, चाहे वो कितने बजे क्यों ना आए। तो सारी ज़िंदगी उसकी ऐसे गुजरी। उसके बाद शादी हुई तो शादी होने के बाद उसकी बीवी भी रोने लगी कि काम धंधा ये करता नहीं है, इतने पैसे कमाता है कि जिससे ये अपने सिगरेट और अपना पान वगैरह और ये चीज़ें पूरी करता, कोई काम नहीं करता। तो इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजरती रही। और कुछ अरसे के बाद जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने एक पान की दुकान बना रखी थी और उसमें गुटखा मावा वगैरह जो है ये खुलेआम फरोख्त करता था। उसके बाद उस शख्स को मैंने देखा कि वो शख्स आहिस्ता 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 अमीर हो गया और उसने फिर ये गुटखा वगैरह और ये बनाने के प्लांट लगा दिए और काफ़ी जनी उसका गुटखा पूरी कराची में सप्लाई होने लगा। और कहाँ से कहाँ वो गुटखा जाता था, क्या से क्या होता था। फिर उसके बाद उसने ना घड़ियाँ बनानी शुरू कर दी, जो दीवारों में घड़ियाँ लटकाते हैं, इसकी मशीनें लेकर डिज़ाइन वगैरह बनाकर तो वो घड़ियाँ फरोख्त करना शुरू कर दी उसने। तो उस कारोबार में भी उसको बहुत तरक्की और बहुत कामयाब हुआ। लेकिन उसके हाथ में जो किस्मत की लकीर थी, इंतहाई जनी ये समझें कि कमज़ोर नाकस और बेकार सी लकीर, और कामयाबी की लकीर जो है उस पर कोई आसार भी नहीं थे कि ये अच्छी होगी या अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो प्यारे दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता वो उसने मंजिल दर मंजिल यानी अमीर होता चला गया। फिर एक वक्त वो आया कि उसके पास गाड़ियाँ थी, कई गाड़ियाँ थी, घर वालों की अलग थी, उसकी अलग थी, बच्चों की अलग थी। और पहले जो अपने वालिद के बने हुए मकान में रहता था, कच्चे से मकान में, वो उसने भाइयों को दे दिया और अपनी अच्छी जगह बनाकर रहने लगा और अच्छा खाता पीता हो गया और काफ़ी जनी ये समझे कि मेल ऑनर वगैरह तक की नौबत आ गई। ठीक है, तो उसके जब मैंने हाथ देखा तो उसके हाथ में तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ कि उसके हाथ में जब मैंने वो देखा तो उसने कहा, जी मेरी बीवी का हाथ भी देखना है और मेरी बच्चियों का हाथ भी देखना है। जब मैंने उसकी एक बच्ची का हाथ देखा तो उस बच्ची के हाथ में क्या अलामत थी कि जिसकी किस्मत से इनके पूरे घर की किस्मत बदल गई। ये देखें, बच्ची का जो हाथ था उसमें यानी ज़िंदगी की लकीर कुछ ऐसी थी और दिमागी लकीर जो थी वो बिल्कुल यानी सीधी जा रही थी, सीधी जा रही थी और यहाँ जाके दौलत की तरफ खम खा रही थी। उसके बाद उसके हाथ में यहाँ पर यानी एक दो नहीं, तीन स्टार मौजूद थे, तीन स्टार मौजूद थे। और जो किस्मत की लकीर थी उनकी, ये दिल की लकीर जो थी यहाँ से आ रही थी जो कि छोटी सी थी, और किस्मत की लकीर उनकी जो है वो बहुत अच्छी और बड़ी उमदा जा रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि इनके घर में जो कुछ बन रहा है या जिस हिसाब से ये लोग कमा रहे खा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इस बच्ची की किस्मत की बदौलत है। और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि काफ़ी अरसा इन्होंने अरूज देखा और बहुत ही अच्छा वक़्त देखा इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि बच्ची की शादी हो गई, बच्ची की शादी हो गई, और फिर एक बार वो शख्स क्लाश हो गया। और जिस शख्स से इस बच्ची की शादी हुई वो दौलत की रेल पेल हो गई उसके घर में। हालांकि उनके घर में भी कोई ऐसा वो नहीं था कि वो अमीर हों या लैंडलॉर्ड हों, ऐसे नहीं हों, लेकिन उनके पास भी इतनी दौलत आ गई। ये होता है किसी की किस्मत का मिलना,
और ये जो तीन स्टार हैं ये ऐसे हैं कि बैठे बिठाए दौलत आना, बैठे बिठाए सारा कुछ होना। और अगर आपके हाथ में या आपके किसी अजीज़ के हाथ में या आपके बच्चे या बच्ची के हाथ में अगर इस तरह की अलामत है तो ये समझें कि आप दुनिया के खुशनसीब तरीन इंसान हैं और अल्लाह के फजल से आप बहुत कामयाब होंगे। लेकिन उस कामयाबी को संभालिएगा हमारे उस दोस्त की तरह, ये ना हो कि आप भी फिर दोबारा कलाश होकर बैठ जाएं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहला शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला जो हमें सवाल किया है मानूर ने किया है मुरीद के से, मेरी तलाक होगी, दो बच्चे हैं, शौहर के पास हैं, मेरी ज़िंदगी अच्छा वक़्त कब आएगा? आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक़्त तो आ चुका है, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा और बहुत बेहतर वक्त आ चुका है, क्योंकि आपके हाथ में चांस या लकीर बड़ी उमदा और बड़ी अच्छी है। यानी ऐसे लोगों को ऐसा चांस मिलता है कि इनकी ज़िंदगी बदल जाती है, और ये चांस आपको 2020 के ये समझे सातवें और ग्यारहवें माह में मिलने का इम्कान है। और ये क्या चांस होगा ये मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन उसमें माली पोजीशन और ज़हनी सुकून बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। उसके बाद अगला सवाल किया है अमजद अली ने रावलपिंडी से, बीमारी कब तक ख़त्म होगी और शादी कब होगी? प्यारे दोस्त, बीमारी के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हैं तो आपकी सेहत की लकीर तो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, काफ़ी हद तक बेहतर है, सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आप तवज्जो दे दें तो इंशाल्लाह ये बीमारी और ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी और आने वाला वक्त आपका अल्लाह के फजल से अच्छा होगा, और 2021 और 2022 में आपकी शादी मुझे नज़र आती है। उसके बाद सवाल किया है मारिया ने गोजरा से, शादी कब होगी और कैसे रहेगी? शादी आपकी कामयाब होगी और इंशाल्लाह शादी के बाद की ज़िंदगी भी अच्छी होगी, और शोहर बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे और किस्मत के लिहाज से बहुत अच्छे होंगे। उसके बाद सवाल किया है राबिया ने, शादी को 10 साल हो गए हैं, तीन में से शादी को 10 साल हो गए, तीन मिसकैरेज हो चुके हैं, औलाद नहीं है, कब होगी? इंशाअल्लाह अज़ीज़, 2020 आपके लिए खुशखबरियों का साल होगा, कोशिश करें कि सदकात वगैरह देती रहें तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाबी के चांस नज़र आते हैं। उसके बाद सवाल किया है तौबा खान ने फैसलाबाद से, तौबा खान ने फैसलाबाद से, शादी कब होगी, अपनों में होगी या गैरों में होगी? आपकी शादी अपनों में होगी और कामयाब शादी रहेगी, शादी के बाद की ज़िंदगी भी अच्छी होगी। अगला सवाल किया है माजवी ने मुरीद के से, अपने शौहर के पास बाहर मुल्क जाना चाहती हूँ, कब तक जा सकूँगी? आपके हाथ में सफ़र की लकीरें मौजूद हैं लेकिन इतनी गहरी नहीं है कि हम अंदाज़ा लगाएं कि आप कब जाएंगी, लेकिन आप जा सकेंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अल्लाह हाफिज़।